अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। तुम सब लोग उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हो गए। सब लोगों को हाथ मुबारक मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, और आप सब लोगों को ईद उल अज़हा मुबारक। बड़ी ईद उल अज़हा कहते हैं ना, और ऐसे फेस को देख के आप लोगों को प्यार नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे मस्कीन सी शक्ल बनाई हुई है बिल्ली जैसी। यहाँ पे आए हुए हैं बेकरी पे क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी, कुछ खाया भी नहीं था, नाश्ता भी नहीं किया। घर आके ही फिर हमने आलू बैंगन बनाए थे। मेरा विंडो का थीम देखे कितना क्यूट हुआ है। अच्छा देखो, अभी भी मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने सारी वीडियो बना ली, थोड़ा सा क्लिप बना लिया, और मुझे लगा कि मैंने बना लिया लेकिन मैंने कैमरा भी ऑन नहीं किया हुआ था। आज हमने बनाए हैं बैंगन चावल, प्रो मैक्स बैंगन चावल। बैंगन चावल किस किस को अच्छे लगते हैं? अच्छा, एक टिकटॉकर है समैया आकिब, वो माशाल्लाह से हज पे गई हुई हैं भाई, तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा हज मुबारक हो। माशाल्लाह से है भी बड़ी प्यारी, उनकी बेटियाँ भी बड़ी प्यारी हैं, आयरलैंड से हैं। देखो मैं खा के उसके साथ रही हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं बड़े चम्मच से खाऊंगी तो मैं ज़्यादा खा सकूँगी, है ना मेरा साइंस। ये हमारा मिकू आया, मिकू, हाँ इसका नाम है मिकू। वो शायद वॉक कराने जा रहे हैं, वो उनके हैं। तो मैं ऐनक लगा रही हूँ पर ये पहनता नहीं है। चीकू ऐनक लगा के अच्छा लग रहा है ना, उसको लगाते हैं मिकू को। ये तो मैंने उसी ने बताया था ना, आई थिंक मैंने कल परसों वीडियो अपलोड की थी क्यों ने हेयर कलर शेड्स ट्रिक की। तो ये क्यों ने का कलर मैं बनाने लगी हूँ, ये 8 सीरीज़ में, इसका मैंने डेवलपर डाला। मैंने दो कलरों को मिक्स करके विदाउट कट डाउन करके, आप मेरी वीडियो देखो और विदाउट कट डाउन करके आप बनाओ ना तो बड़े अच्छा शेड आएगा। ये देखिए मैंने अब अप्लाई किया है, ये मैंने फर्स्ट टाइम ये शेड अप्लाई किया बालों में, पता नहीं क्या आता है उसका, आई होप सो के अच्छा ही आए क्योंकि ज़्यादा गोल्डन नहीं अच्छा लगता ना, थोड़ा सा चॉकलेटी टाइप होता है वो अच्छा लगता है। तो मैं दिखाती हूँ इसका के भरने के बाद क्या शेड था इसका। ये देखें, ये मिक्सिंग करके ना अब तो ये फिनिश होने वाला है, मिक्सिंग करके ना ये शेड आया है। तो अब आफ्टर अप्लाई तो किया, अब आफ्टर वाश इसका क्या शेड आता है देखते हैं, और उम्मीद है कि अच्छा ही आए। इससे बाल भी अच्छे हो जाते हैं। मैं क्यूने का यूज़ करती हूँ, बट इन नेक्स्ट टाइम मैं लोरियल देखूँगी कैसा है, क्योंकि मुझे यह है कि बहुत से कलर ऐसे होते हैं जो ऊपर कुछ होते हैं, होता तो क्यूने का भी ऐसा है पर उनका ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखें क्या निकलता है। ये देखें आफ्टर वाश ये शेड दे रहे हैं, अभी मैंने बालों में ब्रश नहीं किया, पता नहीं अभी मैं ब्रश करने लगी हूँ। देखो ब्रश के बाद किधर गया मेरा हेयर ब्रश, ये देखो ब्रश के बाद क्या होता है। मैंने इसलिए जब कैमरा किया था तो लाइट बहुत ज़्यादा थी, टीवी भी चल रहा था और लाइट भी बहुत ज़्यादा। ये देखिए आफ्टर वॉश करने के बाद ना ये शेड आया मेरे बालों का, और आप बताइएगा वीडियो को लाइक करके ये कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। ये देखिए अच्छा कलर लग रहा है, अच्छा शेड लग रहा है ना।
इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 दिन लग गए, 2.5 दिन लग गए। यहाँ पे मैंने कैमरे ही पुट्ठा पकड़ा हुआ है, इसलिए मेरी शक्ल ही उल्टी आ रही है। यहाँ पे तो मैं ऐसे फ्रीज होकर खड़ी हूँ जैसे मैं किसी स्कूल में बड़ी दूर खड़ी हूँ। अच्छा देखो ये मेरे बालों में कैसा टच आया, ये अब रोशनी में देख लो। पहले था ना एश ब्लंड कलर का गोल्डन, अब ब्राउनिश किस्म का है, किस्म में ब्राउनिश ही है। ये देखें ब्राउनिश लग गया ना, पीछे जरा एश ब्लंड आया हुआ है टच, क्योंकि ये पीछे जो पहले था ना हेयर कलर उसका टच आ रहा है, उधर शट नहीं लगा। तो ये कलर है रियल में असल, जो मैंने आज अप्लाई किया क्यों नहीं का 5.3, क्योंकि मुझे था कि ज़रा गोल्डन टच ज़रा कम सा हो जाए। मतलब मुझे खुद सा ना वो चॉकलेट सा शेड पसंद है, कभी कभार टच हो जाए ना गोल्डन का सा लगता है। तो आप लोग बताना कैसे लगा है मेरा कलर आप लोगों को, न्यू शेड ये देखो। अच्छा इधर थोड़ा सा और डिफरेंट लग रहा है ब्राउनिश। चलो चलते हैं हम को देखने के लिए। हमारे ना साथियों का बेड़ा है, बेड़ा लो। मैं तो अपनी वीडियो बनाई जा रही हूँ, मैं ही बेड़ा बन गई हूँ। ये हमारे साथ लोगों का बेड़ा, अब हम जाते हैं चिकू मिकू को देखने के लिए। ये है मिकू, मिकू ने अपने आप कितना गंदा किया हुआ है, वो है चिकू। चिकू बहुत शरारती है माशाल्लाह। ये है मिकू, मिकू भी बड़ा शरारती हो गया हुआ है। टीवी लगाओ तो टीवी में बस यही आ रहा है कि सारी चीज़ें महंगी है। पाकिस्तान में ही होता है ऐसे, बाहर के कंट्रीज़ में तो नहीं होता। बाहर के कंट्रीज़ में सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा बाहर की कंट्रीज़ में नहीं होता, उधर तो प्रमोशन शुरू हो जाती है। अच्छा यार जो उधर आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चला हुआ है, हर यूट्यूबर करती है कि क्या करती है कि वो अदरक लहसुन को पेस्ट बना लिया, उसको फ्रीज़ कर लिया, कभी किस मसाले को फ्रीज़ कर लिया। मैं देख रही हूँ किधर लाइट की व्यू अच्छा आ रहा है, किधर लोकेशन अच्छी आ रही लाइट की, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो ना बासी हो जाता है, कभी सोचो कि फ्रीज़ करने के बाद चीज़ को आप निकालते हो तो वो कैसा लगता है। चीज़ की एक मदद होती है, आप लोग कहो कि गोश्त भी फ्रीज़ करते हैं तो गोश्त अगर फ्रीज़ करते हैं ना तो उसकी उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसकी एक मदद होती है, ठीक है। ये सब्ज़ियाँ वगैरह तो आटा वगैरह आप 2 दिन से ज़्यादा आटा फ्रीज़र में नहीं रख सकते। बड़ा भी आपने फ्रीज़र में रखा है, फ्रीज़र में भी रखने के बाद भी आप बाहर निकालते हो तो खमीरा हुआ होता है। अच्छा ये मैंने पहले मेरे बाल थोड़े गीले थे तो अभी देखिए बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। ड्राई होने के बाद ये शेड आया है, अच्छा शेड है, मुझे तो अच्छा लगा है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं है, बहुत ओवर नहीं है, बड़े प्यारा शेड लग रहा है। पर हमेशा मेरे से ये मिस्टेक हो जाती है कि ऊपर ज़्यादा लग जाता है, नीचे वाले बालों में इतना नहीं लगता, जैसे शेड नीचे वाले बालों में नहीं इतनी प्रोमिनेंट होती। एंड चैनल वो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।